नेवढ़िया में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में फैला आतंक। आपको बता दें कि इन दिनों नेवढ़िया में लगातार चोरी की घटनाओं को चोरों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में एक डर सा माहौल हो गया है। जानकारी के मुताबिक नेवढ़िया थाना क्षेत्र के नौकरा ननौटी निवासी राजेश दुबे के घर पर चोरों ने बीती रात तांडव करते हुए उनके घर पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित राजेश के मुताबिक चोरों ने करीब 10 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया है। साथ ही राजेश ने बताया कि यह घटना चोरों ने रात करीब 12 से 4 बजे के बीच घटना को अंजाम दिया होगा। पीड़ित राजेश के मुताबिक वह अपने गेहूं के खेत की भराई करने के लिए खेत में गए हुए थे। जब वह सुबह भराई करके लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। उन्हें शक हुआ तो वह घर जाकर देखे तो वह दंग रह गए, क्योंकि उनके घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद राजेश दुबे ने इसकी सूचना नेवढ़िया थाने को दी और नेवढ़िया पुलिस जाँच में जुट गई है। मगर नेवढ़िया में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं से जहां चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, वहीं क्षेत्र के लोगों में दहशत सा माहौल है। आपको बता दें कि अभी इसी हफ्ते में नेवढ़िया थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़ते हुए हजारों रुपए की लूटपाट की थी। आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले किसने बुलंद है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए नेवढ़िया से यह पूरी रिपोर्ट। गाँव का नाम मामला मामला सर यह है, यह हमारे घर चोरी हो गई। चोरी हो गई? चोरी हुआ? चोरी हुआ सर करीब 11 बजे के बाद। अच्छा, हाँ, और 4 बजे से। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी सर हमारे यहाँ हमारे पत्नी का सब गहना जो है चोरी हो गया। अच्छा, लागत कितना रहा होगा? लागत करीब करीब 10 लाख रहा होगा। 10 लाख? जी जी। और कुछ गहने में क्या क्या था? गहने में सर मंगलसूत्र था, चूड़ी थी, हार था, अंगूठी थी, और पैर का मन वो क्या कहते हैं पैजनी थी, करधनी थी सर, चांदी थी, ये सब सारे सामान गए हैं सर। जी जी। सूचना कब मिले? आप कब देखे कि हमारे घर में? सर मैं अपना खेत गेहूं का खेत जो बिरा करके आ रहा था, तो जब रास्ते में हम पहुँचे तो रास्ते में देखा कि हमारे माने घर की वस्तु रोड पर बिखरी हुई फैली थी। पेटी और एक मिक्सर था। तो आते समय मैंने उसको देखा तो उसमें हमको माने महसूस हुआ कि यह जानी पहचानी चीज़ है। उसको देखा तो ऐसा लगा कि ये तो अपनी चीज़ है। रात को जो है पानी भराने गए थे? जी जी, खेत गेहूँ के खेत गेहूँ का भराई करने। तभी घटना घटी।